welcome. Thank you. तो देखिए गाइज ये खुल गया, मेरे ख्याल से दो सेकंड भी नहीं लगे इसमें। तो देखो ऊपर से पानी डाल रहे, पानी देखो कहीं भी नहीं टिक रहा, सीधा नीचे जा रहा है। देखिए दो लोग आराम से जा सकते हैं, तो काफी स्पेस है आई थिंक, राइट? कैंप स्टूल है, प्राइस 499, कैंप बेड आपका रेडी है जिसमें आप रिलैक्स कर सकते हैं। हेलो, वेलकम इन घुमक्कड़ पहाड़ी सेवाल। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही खास। आपने पिछले वीडियोस में देखे थे मेरे ट्रैकिंग एंड कैंपिंग के वीडियोस, आपने बहुत पसंद किए हैं। बट आज हम आए एक इंटरनेशनल ब्रांड में, डी कैथलॉन में। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि कितनी सारी वैरायटियाँ हैं कैंप से रिलेटेड गियर्स की, और बहुत ही सारा यहाँ पर ऑप्शन होने वाला है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे, ये नोएडा में है। हेलो, वेलकम, थैंक यू। तो इसमें एक स्पेशल चीज़ आपके लिए ये भी है कि इनके हर प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है, और आपको अगर यहाँ पे कुछ ऑर्डर देने हैं बल्क में तो आपके लिए वीडियो के एंड में एक सरप्राइज़ होने वाला है, वो ज़रूर बताएंगे। पहले देखते हैं पूरा वीडियो। फर्स्ट हम क्विकली जाते हैं, हमारा जो सबसे बेसिक टेंट है दैट इज़ टू मैन टेंट, माउंटेन हाइकिंग 100 2%। सो ओपन करने से पहले मैं इसके स्पेसिफिकेशंस आपको बता देता हूँ। तो ये बेसिक 8 लीटर कैपेसिटी का बैग है जिसके अंदर आपका पूरा इंटायर टेंट रहता है, जिसकी असेंबली में आपको एक ग्राउंड शीट अवेलेबल होता है एंड सपोर्टिंग पोल किट्स होते हैं। देन इसके अंदर एक टॉप पे फ्लाई शीट होता है, फ्लाई शीट आपको वाटर प्रूफिंग एंड यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। सो लेट्स ओपन इट। टेंट ओपन करते ही आपको एक यूजर मैनुअल मिलेगा विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंस्टॉल एंड डिसमेंटल द टेंट। ठीक है, इसको हम साइड में रखते हैं। सिंपल टेंट, दिस इज योर ग्राउंड शीट। के अंदर जो ये जाली है इसका क्या यूसेज होता है, तो जब ये जाली वाली इनर लाइनिंग कंबाइन होती है आउटर साइड फ्लाई शीट के साथ, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसमें वार्म एयर का सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से कंडेंसेशन नहीं होता है, विच इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। होगा क्या, आउटर साइड कोल्ड है, इनर साइड इट इज़ हॉट, क्या होता है वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर लग जाती है, ऐसा लगता है कि अंदर से टेंट भीग गया है, बट आइडियली कंडेंसेशन की वजह से। उसको अवॉइड करने के लिए दो जाली का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो अब इसको हम फर्दर ऑन आगे इंस्टॉल करते हैं। ये सिंपल ग्राउंड शीट है, अभी तक मैंने कुछ मेजर एक्टिविटी नहीं की। बेसिकली ये मैनुअल होने वाला है। यस एग्जैक्टली, ये मैनुअल इंस्टॉलेशन है। और ये कितनी देर में हम इसको असेंबल कर सकते हैं? इसको हम 2 मिनट के अंदर कर देंगे। तो लाइवली डेमो दिखाने का यही है, अगर आप इसको टेंट लगाते हैं तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो, खुद ही आप इसको कर सकते हैं। हर कॉर्नर पे केबल के लिए आपको 4 हुक्स मिलेंगे। ओके, मतलब इफ यू कवर इधर साइड योर सेटअप इज रेडी, ग्राउंड शीट अलॉन्ग विद केबल्स। ये वाटर प्रूफ है? यस एग्जैक्टली, ये वाटर प्रूफ है। अभी हम देखते हैं, अभी आपका ग्राउंड शीट के साथ स्ट्रक्चर रेडी है, वाटर प्रूफिंग आपको देता है फ्लाई शीट। तो ये इसके ऊपर आने वाला है? यस एग्जैक्टली। और ये 2 मैन का बेसिक है टेंट। यस एग्जैक्टली। तो मैं आपको इसका अंदर का एक ओवरव्यू भी दिखा देता हूँ। इसमें इस तरह का ये ओवरव्यू है और इसमें 2 लोग आराम से जा सकते हैं, राइट? तो 2 लोग आराम से जा सकते हैं, एक मैं रवि जी को बोलूँगा प्लीज़ अंदर चले जाएँ। और तो इस तरह के ये 2 लोग जा सकते हैं और ये भैया भी चले जाएंगे। तो देखिए 2 लोग आराम से जा सकते हैं, तो काफ़ी स्पेस है आई थिंक, राइट? एग्जैक्टली। अब मैं डायमेंशंस की बात करूं तो ये 210 by 130 cm का इसका डायमेंशन है, प्लस हेडरूम की अगर आप बात करोगे तो 105 cm का हेडरूम है। तो आइडियली 1 मीटर तक का गैप है, तो आराम से आप अंदर बैठ तो 2 लोग आराम से इसमें लेट सकते हैं। एग्जैक्टली, लेटने के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो स्पेशियस काफ़ी है। तो ये स्पेशियस है और हाँ स्पेशियस है। और एक और चीज़ आपको टॉर्च वगैरह लटकानी है ऊपर इसके लिए? एग्जैक्टली, इसके लिए ये लैंप शेड वगैरह या कोई लैंप के रात के लिए चाहिए होता, राइट? ये भी कैंप लाइट भी अवेलेबल रहता है हमारे पास। और इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो एग्जैक्टली, इसका जो प्राइस रेंज है 299 से स्टार्ट होता है, देन 899 डिफरेंट मॉडल्स हैं डिफरेंट ब्राइटनेस के साथ। तो इसमें प्राइसिंग और इसमें कोई ऑप्शन भी आते हैं बेसिक के अलावा? बेसिक टेंट की अगर बात करते हैं तो ये प्राइस इसका है 1999 से। फिर जैसे हम दूसरे मॉडल्स की बात करें तो टेक्निकल फीचर्स में एडवांसमेंट होता है मैनुअल में। एग्जैक्टली, टेक्निकल फीचर्स एडवांसमेंट प्लस ओवरऑल
स्पेस का एडवांसमेंट, स्पेस ज़्यादा रहता है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे कैटेगराइजेशन है 1% यूसेज, 2% यूसेज एंड मे बी फैमिली टेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लिए टेंट ऑप्शन अवेलेबल। इसका वाटर प्रूफ भी हम करेंगे, ये पानी डाल के दिखाएंगे। तो इसको हम वाटर प्रूफिंग इसकी अभी जस्ट चेक करते हैं। तो देखिए लाइव डेमो का मतलब ये होता है कि आप कहीं फंसो ना। तो देखो ऊपर से पानी डाल रहे, पानी देखो कहीं भी नहीं टिक रहा, सीधा नीचे जा रहा है। देखो ग्राउंड पे देख लो, कहीं भी नहीं रुक रहा, एकदम वाटर प्रूफ है। अगर मैं हाथ लगाऊं तो देखिए सारा पानी चला गया इसमें से, कहीं नीचे नहीं जा रहा टेंट के अंदर भी। और अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो आप देख ही सकते हो कहीं भी पानी एक बूंद नहीं है। देखो ऊपर से डाल रहे हैं पर ये पता भी नहीं चल रहा। और इसमें जो मैं इसकी स्टेबिलिटी कहूँ कि अगर विंड की बात करूँ तो विंड स्पीड इसका हम विंड रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो ये फोर्स 5 तक टेस्टेड रहता है लेबोरेटरी में। तो लैब टेस्ट के ड्यूरेशन में इसको एक विंड टनल से पास किया जाता है जिसमें ये 40 किलोमीटर्स पर आर की विंड स्पीड को झेलने के लिए बना हुआ है। तो लैब की अगर लैब टेस्ट की मैं बात करूँ तो उसमें विंड टनल्स, उसके अंदर रोटेटरी पैनल्स होते हैं जिससे कि टेंट का हर फेस विंड से एक्सपोज हो। तो उस एक्सपोजर में 40 किलोमीटर्स पर आर विंड स्पीड। ओके, सो 2% कैपेसिटी में दूसरा टेंट है फ्रेश एंड ब्लैक 2% टेंट। तो अब इसके टेक्निकल फीचर्स की बात करते हैं। बेसिक टेंट MH100 से किन आस्पेक्ट्स में डिफरेंट है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसका जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेश एंड ब्लैक अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट हम समझते हैं फ्रेश एंड ब्लैक टेक्नोलॉजी है क्या। फ्रेश टेक्नोलॉजी बेसिकली हेल्प करता है हीट रिडक्शन में एंड ब्लैक टेक्नोलॉजी मेंटेन करके रखता है डार्कनेस। अगर आप दिन में दोपहर को 2 बजे भी अगर टेंट को पिच करोगे तो फुल डार्कनेस अंदर मेंटेन करके रखेगा, प्लस यूवी फिल्ट्रेशन में काफ़ी हेल्प करता है। हाँ, अगर कलर ऑप्शंस अगर आप पूछते हो तो बेसिक टेंट में ग्रे कलर आता है, जो कि इसका ग्रे होने का भी एक रीज़न है क्योंकि बाइटॉन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। तो बाइटॉन टेक्नोलॉजी के अंदर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए वाटर रिडक्शन हम काफ़ी कर पाते हैं, जिस वजह से इस आउटर फैब्रिक का कलर ग्रे है। तो उस बेसिक टेंट में और एक ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ दे रहा हूँ, तो ये किस लिए आएगी? ये बेसिकली आपका वेंटिलेशन केबल रहता है, तो ये जब इसमें फिक्स हो जाएगा तो ये आपको एक आउटर शीट और इनर शीट के बीच में एक गैप क्रिएट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपका वेंटिलेशन इसमें मेंटेन रहे। तो वही ये 2-man वाला है, इसमें भी हम स्पेसिक दिखाएंगे, वैसे ही है एग्जैक्टली जैसे एक बेसिक टेंट में था। तो मेरे ख्याल से अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 7 मिनट लगने वाले हैं मैक्सिमम। अगर आप न्यू हैं तो भी आपको इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट? और काफ़ी यूज़र्स का क्वेरी ये रहता है कि क्या मेरे टेंट के अंदर कुछ पैरासाइट या सांप या और कुछ जंगली जानवर तो नहीं घुस जाएंगे? तो ये बेसिकली जिप से कवर्ड रहता है अगर आप इसको फुली रात को जब सो रहे हो। अभी थोड़ा अंधेरा इसलिए आएगा क्योंकि ब्लैक है, बाकी 2 आदमी मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि 2 आदमी आराम से आएंगे, राइट? एग्जैक्टली, मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। तो भैया की हाइट मेरे ख्याल से 5'7" 5'8" है ऑलमोस्ट, तो आराम से बैठ गए हैं और मेरे ख्याल से हेडरूम भी अच्छा खासा है। तो थोड़ा सेम लाइंस पे ही इसमें हेडरूम है, मैंने यहाँ पे अभी फुल ब्राइटनेस करी है, आप देख रहे हो। जैसा कि मैं आपको इनिशियली बता रहा था फ्रेश एंड ब्लैक, ब्लैक टेक्नोलॉजी, धूप में भी आप इसको पिच करोगे अंदर आपको डार्कनेस रहेगी। कोई भी ट्रैकर या हाइकर है अपनी जर्नी में पीसफुली दिन में भी सो सकता है। तो बेसिकली हमने अभी 2 टेंट दिखाए, एक बेसिक दिखाया है। तो यहाँ पे ये क्रॉस वेंट्स होते हैं, क्रॉस एयर वेंट्स, ये टेंट का एक पोर्शन है, लेटरल साइड दूसरी तरफ से भी यही आपको एयर वेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस तरफ। तो बेसिकली आपको अगर घुटन नहीं होगी, आप इसकी एक कहते हैं ना हवादार जाली देसी भाषा में कहें, तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो भैया मेरा जो फेवरेट है ना, जो मैंने इसको पढ़ के देखा, 2 सेकंड, तो ये 2 सेकंड में कैसे हो गया, अभी अब पॉसिबल नहीं है ये। तो देखिए गाइज ये खुल गया, मेरे ख्याल से 2 सेकंड भी नहीं लगे इसमें, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये भी 2-man है? एग्जैक्टली, ये डिकैथलॉन हमारे रेंज ऑफ टेंट्स में जितने भी टेंट्स आपको अवेलेबल रहते हैं सारे ही वाटरप्रूफ टेंट और विंड रेजिस्टेंट टेंट रहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे शेल्टर्स होते हैं किसी भी ट्रैकर या हाइकर के लिए जो आउटडोर्स में जा रहा है। क्विकली अगर उसको मे बी चेंज करने हैं, मे बी इन बिटवीन अगर आप जर्नी में एकदम से बारिश हो जाती है, आप शेल्टर आपके पास नहीं है, तो आप ये 2% टेंट इमीडिएटली ओपन करके 2-second टेंट
ओपन करके इसको इमीडिएटली इसके अंदर जाके शेल्टर आप ले सकते हैं। और इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है? इसका प्राइसिंग रहेगा 3999। इसका जो मेन स्पेसिफिकेशन आता है ये इसके फाइबर पोल्स से आता है जो कि फोल्डेबल रहते हैं और हाईली फ्लेक्सिबल पोल्स रहते हैं, जिस वजह से ये इतने स्मूथली ओपन हो जाता है। और अगर मैं डिकैथलॉन में जितने ये कैंप के टेंट्स हैं आपके ट्रैकिंग जितने भी हैं इनकी वारंटी क्या रहेगी? वारंटी मोस्ट ऑफ द टेंट्स जितना है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से रिलेटेड वारंटीज जितना होता है आपके रहते हैं 2 ईयर्स वारंटी ऑन मोस्ट ऑफ द टेंट्स। एंड मोस्टली अगर हम बात करें कि कोई भी अगर वेयर एंड टेयर होता है आफ्टर यूसेज या फिर किसी भी तरीके का डैमेज प्रोडक्ट में होता है ड्यूरिंग यूसेज तो वो सारी चीज़ें कवर नहीं होती हैं। बट स्पेसिफिक टू मैन्युफैक्चरिंग अगर हम बात करें तो उसमें क्या कवर होगा? आपकी स्टिचिंग लाइन और मे बी आपकी पेस्टिंग ऑफ PU पेस्टिंग, बट इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको वारंटी आप क्लेम कर सकते हो किसी भी नियरेस्ट डिकैथलॉन स्टोर जाके, और आप इसको इमीडिएटली या रिफंड करवा सकते हो या फिर आप नया पीस स्टोर से कलेक्ट कर सकते हो। ओके, ये कैंप स्टूल है प्राइस 499 जो आपको इजीली अवेलेबल रहेगा, एंड देन दिस वन 599। ये हंटिंग के लिए यूज़ होता है, ये 1999 है क्योंकि इसमें एक बैग अकोमोडेटेड है। ये सेम लाइंस पे 499 प्राइस पे, ये 999 प्राइस का चेयर, एंड देन 1199 ये 1299 प्राइस पे है एक बॉटल कैरियर के साथ, एंड ये 1899 है क्योंकि ये हाई सीट आर्म चेयर है, और ये 3499 का रिक्लाइनर फोल्डेबल चेयर। और मैं कुछ देखा भैया, ये मुझे क्या बच्चों के स्टडी टेबल है क्या? ये स्टडी टेबल ही कह सकते हो बट स्टडी टेबल नहीं कहेंगे इनको, ये कैंपिंग टेबल्स हैं। कैंपिंग टेबल्स में भी अगर आप फैमिली के साथ फन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, किसी नियर बाय पिकनिक बनाने जा रहे हो वहाँ पे आप अपने गाड़ी के बूट में इनको इजीली कैरी कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास क्या कैंपिंग टेबल्स और कैंपिंग बेड में क्या क्या अवेलेबल है। तो सबसे बेसिक है ये फोल्डेबल टेबल, कैंप टेबल है जो कि 45-50 केजी का लोड ले सकता है अपने ऊपर। अगर आप इसको फोल्ड करोगे, यस एग्जैक्टली, एल्यूमिनियम इसीलिए बनाया हुआ है ताकि ये लाइट वेटेड रहे कैंपिंग में, ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका। देख ये तो छोटा सा एक अटैची टाइप का बन गया, और लॉक सिस्टम भी बहुत अच्छा है, तो बहुत ईजी टू है, और इसका वेट नहीं होगा ज़्यादा। एग्जैक्टली, इसका वेट अगर आप बात करोगे तो ओवरऑल ये 1.5 से 2 केजी के अंदर आप। इसका प्राइसिंग क्या होने वाला है? इसका प्राइसिंग 1399 पे प्राइस है। तो इसमें हाइट ऊपर करने का भी ऑप्शन है और नीचे, वो आपके डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का हाइट चाहिए खाने के लिए। तो ये भी बहुत अच्छी प्राइसिंग पे होने वाला है, एक बार और इसका प्राइसिंग बता देंगे? ओके, प्राइस इस फोल्डिंग टेबल का है 4999। आप ऑनलाइन विजिट कर सकते हो अगर आपको होम डिलीवरी करना है। मुझे तो 10 ही लग रहा है शायद ये। तो ये इस तरह का कुछ मेरे ख्याल से ये बेड टाइप का बन गया एक वन पर्सन के लिए। एग्जैक्टली, ये फोल्डेबल कैंप बेड है। तो इसका अगर हम अभी देखें, इसके फोल्डेबल लेग्स हैं जिस वजह से अब ये मूव कर रहा है। तो इसका लॉकिंग मैकेनिज्म मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इस तरफ आओगे थोड़ा, तो यहाँ पे इसका लॉकिंग मैकेनिज्म रहता है, तो इजीली ये लॉक सिस्टम लग जाता है। कोई इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। एग्जैक्टली, तो ये इजीली लॉक हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखोगे एक कैम बेड आपका रेडी है जिसमें आप रिलैक्स कर सकते हैं। और ये कितना, मतलब एक आराम से आदमी सो सकता है, लेट सकता है, बैठ सकता है, कुछ भी कर सकता है, राइट? और इसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है? इसका प्राइस 3499 पे रहेगा। और ड्यूरेबिलिटी वही? यस एग्जैक्टली, इसकी ड्यूरेबिलिटी 110 केजी की है। मोस्टली जो फर्नीचर अवेलेबल है इसका ड्यूरेबिलिटी 110 केजी का ही रहेगा। और यहाँ पे मैं स्लीपिंग बैग भी देख रहा हूँ। यस एग्जैक्टली, सो स्लीपिंग बैग हम बात करते हैं इसकी, ये ममीफाइड शेप में है। ये इस शेप में इसीलिए है ताकि आप जब इसके अंदर सोते हो तो आपकी बॉडी हीट और थर्मल इंसुलेशन सबसे अच्छा मेंटेन रहता है। इसका प्राइस रहेगा 2499, और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और इजीली अकोमोडेटेड मॉडल है जो बैग में इजीली अकोमोडेट हो जाता है। तो आपको ट्रैवलिंग के टाइम पे ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको इसमें मिलता है। और इसमें ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? हमारे पास इसमें ऑप्शंस अवेलेबल है 999 से 20 डिग्रीज के लिए, देन
मूव ऑन करते हो तो -5 में आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के लिए भी स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल है। और मैं कैम्प टेंट की बात करूँ तो उसके अंदर जो मैट्रेस आते हैं। यस एग्जैक्टली, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने मिस आउट किया है कि कैंप के अंदर जो मैट्रेस कंपैटिबिलिटी होती है, हम किन मैट्रेसेस को एकोमोडेट कर सकते हैं। आप डिकैथलॉन में आओगे तो डिकैथलॉन में आपको डिफरेंट मैट्रेसेस अवेलेबल रहते हैं। 590 हम रेकमेंड तो ये करते हैं कि इन टेंट्स में आप रोलिंग मैट्रेस या फोम मैट्रेसेस यूज़ करो। इसके अंदर एडवाइजेबल नहीं होता है कि आप इन्फ्लेटेबल मैट्रेस यूज़ करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके टेंट के अंदर की एक्स्ट्रा जो बेडरूम स्पेस होता है वो किल हो जाता है। तो हमारा मेन आइडिया है मोर स्पेस। तो करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको ये सेक्शन ट्रैकिंग और कैंपिंग से रिलेटेड बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कोई ऑर्डर मंगाना है वो भी बल्क में, उसमें आपको कंसेशन मिलेगा। नंबर मैं आपको व्हाट्सअप दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप बल्क में मंगाते हैं, आपको कंसेशन मिलने वाला है। आपको बस करना ये है कि मेरे चैनल का आपको स्क्रीनशॉट दिखाना है और बल्क में कंसेशन पे आपको अपना प्रोडक्ट मंगाना है। आई होप आपको ये सेक्शन ज़रूर पसंद आया होगा। तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें।